मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये क्लासेस इंडिफिनिट इंटीग्रेशंस की है, जिसमें हम लोग सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स से लेकर के कंपटीशन पॉइंट्स ऑफ व्यू पे सारे क्वेश्चंस को ले रहे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आ रहा है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका 1 + sin x डिनोमीटर में दिया है, 1 + cos x डिनोमीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको रैशनलाइज कीजिए। सो इस क्वेश्चन को हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। ऑन 1 + sin x 1 - sin x अपॉन 1 - sin x dx इट इज इक्वल टू sin x इंटू 1 - sin x 1 - sin x एंड a + b इंटू a - b 1a² - b² सो 1 - sin² x dx। न्यूमिनेटर का ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, sin x - sin² x एंड 1 - sin² x cos² x dx। नेक्स्ट टर्म्स को इंडिविजिबल कर लेंगे, sin x अपॉन cos² x माइनस sin² x अपॉन cos² x dx। sin y cos 10 10x 1 y cos sec x dx माइनस 10² x dx। बाई प्रॉपर्टीज हमें ये क्लियर है कि 10² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 10x इंटू sec x dx कुछ नहीं, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10² x इज इक्वल टू sec² x माइनस 1। टेन एक्स इंटू sec x dx माइनस sec² x का जो इंटीग्रेशन है वो 10x होता है। 10x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये x हो जाएगा लास्ट में कॉन्स्टेंट अभी एक टर्म सी है, इसको इंटीग्रेट करना है। 10x इंटू sec x का इंटीग्रेशन आपका sec x होता है, sec x माइनस 10x प्लस x, क्योंकि ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट में आप c ऐड कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है।